देखिए शामिल कौन कौन लोग हैं, लेकिन मैंने कल मुख्यमंत्री जी को बता दिया, मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि इस तरह से लूट हो रहा है और इस पर लगाम लगा है, अन्यथा ये पहाड़ जंगल हम लोगों को बाद में देखने को नहीं मिलेगा, नक्शा में हम लोग देखेंगे। और इतना बड़ा रॉयल्टी का तो अभी जब से हम कड़ेती किए हैं, जब से हम धरना पर बैठे हैं, तो वहाँ पर अभी बैरियर लगा हुआ है और वहाँ मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, और इसके बाद आपका SDO के लोग भी बैठे हुए हैं, थाना वाले लोग भी हैं, और अभी बिना चालान का एक भी गाड़ी पार नहीं हो रहा है। बट अभी अभी शिकायत मिली है, कुछ देर पहले सुबह में हमको शिकायत मिली था कि भाई वहाँ पर 2-3 बजे के बाद गाड़ी के पहले गाड़ी को रोका जाता है और सुबह सुबह में 3-4 बजे लोग निकालता है। तो मैंने तुरंत SP को फ़ोन किया था, बट बात नहीं हो सकी। मैं पुनः बात करूँगा कि कौन लोग वहाँ पर उसको देखे। आखिर है कौन लोग? मैंने बताया ना कि भाई वहाँ पर कुछ लोग हैं जो पहले से वो लोग क्या वो आपके अपने पार्टी के लोग हैं? नहीं नहीं, अपने पार्टी के लोग नहीं, हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिया। हमने कहा कि भाई कोई भी हो, चाहे हमारा पार्टी का है आदमी है, कोई दूसरे पार्टी का आदमी हो या कोई बदमाश हो, अगर ऐसे लोग हैं तो उस पर आप शिकंजा कसी। भाई वही तो हमने कहा, हम तो आवाज़ उठा ही रहे, हम तो आवाज़ उठाए और ये आवाज़ को हम दबाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी रहे। हम गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज प्रिमेटिव ट्राइब्स को बचा रहे हैं, और आज वहाँ पर जो नीचे में जो इतने लोग हैं, इतना जो गांव है वैसे गांव में इतना डस्ट है कि वो लोग मैंने मजबूर है घर गांव छोड़ने के लिए। तो आज तो हम झारखंड से तो हम शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, हम तो माननीय गुरु जी शिव शरण का हम चेला है, और वो बोले हैं कि जो सही है उसको बोलना है, उसमें डरना भी नहीं है। उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा कि वो सभी नहीं ले, बट हमने कह दिया कि चाहे वो पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, अगर सम्मिलित है आप उस पर कार्रवाई करें, बोले कि हम देखेंगे।